तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं करने वाला हूँ लाल सिंह चड्ढा मूवी का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। लोग आमिर खान के पुराने स्टेटमेंट के वजह से इस मूवी को बायकॉट कर रहे हैं। और इस मूवी को बायकॉट करने के रीजन से कॉट था कि ये एक रीमेक है, लेकिन इस बार बॉलीवुड वालों ने इसका रीमेक साउथ से नहीं बल्कि हॉलीवुड की मूवी से किया है। और उस मूवी का नाम फॉरेस्ट गंप है, जिसे 8.8 रेटिंग मिला है। फॉरेस्ट गंप मूवी 1994 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को एक मास्टरपीस का टैग मिला हुआ है। लेकिन मैंने इस मूवी को नहीं देखा है क्योंकि मुझे इस मूवी के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे इस मूवी के बारे में तभी पता चला जब मैंने सुना कि आमिर खान इस मूवी का रीमेक कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उन आमिर खान वाली रीमेक को ही देखा जाए क्योंकि उसमें ज्यादा फील आएगी, इंडिया की स्टोरी होगी ना उसमें, इसीलिए। तो दोस्तों, मैं लाल सिंह चड्ढा मूवी का कंपेयर फॉरेस्ट गंप से नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वो मूवी नहीं देखी है। तो बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये मूवी हमें बताती है कि आप अगर नॉर्मल पर्सन हो तो भी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है और आप अपनी लाइफ को से एंजॉय कर सकते हो। मैं इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि स्पॉइलर दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसके स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना समझ लो कि स्टोरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और आपको भी देखकर स्टोरी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो मुझे आमिर खान काफी अच्छे लगते हैं और वो काफी अच्छे एक्टर भी हैं। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद जो लोगों का शिकायत था कि इसमें थोड़ा पीके और थोड़ा धूम की झलक दिख रही है, तो मूवी में काफी ज्यादा दिखती है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सेम लगते हैं, एकदम डिट्टो। तो अब बात करते हैं करीना कपूर की। करीना कपूर का एक्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे देखकर पर्सनली काफी अच्छा लगा कि हाँ, उन्होंने कम से कम अच्छा एक्टिंग की है। इस मूवी में नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्या भी हैं, जिनका इस मूवी में रोल कैमियो की तरह आप मान सकते हो, लेकिन उनका रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस मूवी के लिए। उनका परफॉर्मेंस भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस मूवी में शाहरुख खान भी होने वाले हैं और उनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी उनके बारे में जानने के लिए। मूवी में जो हिस्टोरिकल चीजें हुई थी उन्हें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस मूवी में VFX भी यूज हुए हैं जो कि VFX ठीक ठाक थे, मुझे पसंद आए VFX। फाइनल विचार, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? तो अगर आपने फॉरेस्ट गंप मूवी नहीं देखी है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर आप इस मूवी को बायकॉट करना चाहते हो तो करो, मुझे क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।